खबर कबरदस्त है, किसानों ने किया कलेक्टर घेराव, कलेक्ट्रेट का और कलेक्टर और अधिकारियों को बनाया बंधक। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है, कलेक्टर कार्यालय के बाहर किसानों का धरना, मांग को लेकर रात भर धरना देंगे ये किसान। कबरदस्त से पूरा मामला, किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया है। कलेक्टर कार्यालय का घेराव करके किसानों का हंगामा, कबरदस्त से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अधिक जानकारी से संबंधित जुड़ गए प्रदीप। प्रदीप, क्या है पूरा मामला? आखिर किसान लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि उन्हें अनियमितता का सामना करना पड़ रहा है, उनका धान खरीदा नहीं जा रहा है, यहाँ पर क्या मामला है? पूरा धान खरीदी से जुड़ा हुए अन्य मुद्दे हैं। बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिले में लगातार जो है धान खरीदी के जो केंद्र है वहाँ धान खरीदी नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं जो जो किसान है जो वो परेशान हो रहे हैं। शासन के शासन का ये कहना है कि बारदाना की कमी की वजह से धान खरीदी नहीं की जा रही है, लेकिन किसान यहाँ पे लगातार परेशान हो रहा है। वहीं जो है आज किसान जो है कलेक्टर के चारों ओर जो है घेर कर बैठे हुए हैं, और कलेक्टर के अंदर जो भी जो अधिकारी है उसको आने जाने नहीं दे रहे हैं। कहीं कहीं जो कलेक्टर के जो दो गेट है, दोनों गेट में जो है किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, और साफ तौर से उन लोगों का मांग है 20 तारीख की जो नियत रखी गई है, जो तिथि को सरकार की जो धान खरीदी को लेकर उसको जो है आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो फिर आगे हम अनिश्चितकालीन पर धरना प्रदर्शन करेंगे, और साथ ही जो है हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। ये साफ तौर से सरकार को किसान जो है बड़ी चेतावनी दी है। सर, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।